हेलो गाइस, जीसीसी मिडिल ईस्ट कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, स्ट्रगलर हैं, अभी क्या चल रहा है मार्केट में और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका आपके जीवन पे, आपका करियर पे? आप तो देख ही रहे हैं सब क्या हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें मैं एक दो पॉइंट में डिस्कस करूँगा। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ, आपसे रूबरू हुआ हूँ आप लोगों से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है, टाइम की कमी है। बीच बीच में आके मैं लोगों को कुछ मोटिवेट करता हूँ, कुछ अच्छा सजेशंस देता हूँ, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है अगर मार्केट में तो मैं बताता हूँ आगे। आज इस वीडियो में भी वही करने वाला हूँ, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोविड ने फिर यू टर्न ले लिया है और जीसीसी मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए जो करियर आजमाना चाह रहे हैं या स्ट्रगल हैं, उनका क्या होगा, यही सब छोटी छोटी कुछ पहलू हैं जिस पर बात करूँगा। गाइज ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आप पहली बार हैं तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर आप। आइए गाइज शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि बीच में बिल्कुल सामान्य हो गया था जीवन, ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना वायरस चला गया हमारे जीवन से, या बहुत ही ना के बराबर है, कमज़ोर हो चुका है हमारा जनजीवन, हम लोगों की जो डेली लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। सब कुछ वैकेंसीज़ भी आनी शुरू हो गई थी, गम का मेडिकल भी खुल गया था और फ्लाइटें भी कुछ कुछ शुरू हो गई थी, वहाँ से कंपनी से कुछ वैकेंसीज़ आनी शुरू हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। और अब हम लोगों की जो कैरियर है, खास करके जो मिडिल ईस्ट जीसीसी कंट्री के अंदर में जो अपना भाग्य, जो अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं जॉब के रिगार्डिंग, वो बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, सब कुछ ठीक होने से पहले जैसे कि सांप होता है ना, यू टर्न लेके और अपना फन निकाल के खड़ा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कोरोना वायरस ने यू टर्न ले लिया और फन निकाल कर खड़ा हो चुका है हम लोगों के सामने। एक बहुत ही बड़ी चैलेंजेस है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि इससे ठीक है, खड़ा है, चैलेंजेस है, लेकिन सब कुछ वक्त के साथ बीत जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल जीवन सामान्य हो जाएगी। गाइस अभी का जो सिचुएशन है, जो अभी की जो कंडीशन है भारत की, वो अच्छी नहीं कही जा सकती है, बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही क्रिटिकल है। लेकिन प्लीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको क्या करना है, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, कोशिश कीजिए कि हम इधर उधर ज़्यादा ना जाएं। अभी दिल्ली मुंबई निकलने की ज़रूरत नहीं है जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, गम का मेडिकल के लिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। अगर आप मुंबई में ऑलरेडी हैं, वहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो आप वहीं पे साइलेंट हो जाइए, मार्केट में नहीं जाइए। घर पे हैं तो घर पे साइलेंट मोड में आ जाइए, अभी नहीं जाइए, दो तीन महीना तक आप अवॉइड कीजिए। जब इतनी प्रॉब्लम्स आपने उठाया, जब इतनी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा, ऐसे ऐसे दिन को देखा जो नहीं देखना चाहिए था, ऐसा सिचुएशन को हम लोगों ने हैंडल किया, तो ये भी चला जाएगा। गाइस कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मनुष्य के जीवन में होती है लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घटित होती है लेकिन हमारे कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको नेचुरल होता है और नेचर कंट्रोल करता है, एक तरह से गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से होता है और प्योर नेचुरल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इसका करियर के ऊपर में, जॉब के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या जॉब ख़त्म हो जाएगा, क्या इसके बाद वैकेंसीज नहीं आएगी, क्या गम का मेडिकल बंद हो जाएगा, क्या हमारा करियर बंद हो जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड हैं, वहीं जॉब करना चाहते हैं, उनकी करियर वहीं से जुड़ी हुई है। तो गाइस मैं बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एक तूफ़ान है वो आया हुआ है, तूफ़ान थम जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, एक ब्रेकर है हमारे जीवन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेट्रोलियम बंद हो जाएगा, पेट्रोल ज़मीन से निकलना बंद हो जाएगा, क्रूड ऑयल बंद हो जाएगा, पेट्रोल का जो बिक्री है बंद हो जाएगी, बड़ी बड़ी जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य रहेगा, पहले से भी ज़्यादा वैकेंसीज आएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद ही। अगर ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है तब भी नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये ख़त्म नहीं होने वाला है दोस्त, ये जॉब मिडिल ईस्ट से कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे कोरोना वायरस कितने आएंगे जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी,
इसको लेकर के कोरोना वायरस आया है तो प्रॉब्लम्स है, जिस दिन चला गया कम हो गया या 1% 2% रह गया उस दिन ये कुछ भी नहीं है, पहले से ज़्यादा वैकेंसीज खुलेगी। आपको धीरज बना के रखने की ज़रूरत है और आप अपने लाइफ सेविंग टाइम है, ये जीवन को सेव कीजिए, जीवन को बचाइए, जीवन है तो जॉब है, करियर है गाइज, यही चीज़ मुझे बताना था। आई होप आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई होगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सत्य है। सिर्फ मैं आपको एक चार्जअप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये 100% है। वैकेंसीज कभी ख़त्म नहीं होने वाली है GCC कंट्री से गाइज, सो आप अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए गाइज, और किसी तरह के कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। और पहली बार है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर मैं आपको इसी तरह की वीडियो देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।